जब भी हम लोग ब्लेड तोड़ते हैं तो बाजी जो नुकर होती ना हमारी ऊपर होनी चाहिए, कई बंदे क्या करते हैं उसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, अब देखो अगर ये वाली क्लियर करनी है आप दो तरीके से आप लोग क्लियर कर सकते हो, दो तरीके से इसको कैसे करना है, एक तो आप लोग ऐसे मास्क को उठाएंगे, और अब देखो कई बंदे कहते हैं कि यार सहल भाई अटकने लग जाता बीच में, अटकने का कारण क्या है भाई आप। सो हेलो एवरीवन, कैसे दोस्तों, मैं आपका साहिल वार दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा शेविंग करने का सही तरीका। बहुत भाइयों की दिक्कत होती है कि भाई हाथ कांपते हैं, भाई सफाई नहीं आती, ब्लेड लग जाता है, ब्लेड की धार खराब हो जाती है, तरह तरह के जिनकी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलती होगी। अगर गाइस आपको भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है भाई इस वाली वीडियो को ना शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आते हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहे। इस वाली वीडियो को भाई ध्यान से देना, आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले मैं एक बात आपकी क्लियर करना चाहता हूँ, देखो क्रीम लगाने से पहले भाई दाढ़ी को पहचानना सीखो, दाढ़ी घनी है जो सॉफ्ट है, ठीक है उसको पहचानना आप लोगों ने। अगर ज़्यादा टाइट होगी ना आपकी दाढ़ी तो भाई आपको नरम करने वाली क्रीम ले लेनी है। ठीक है, मार्केट में बहुत तरह की क्रीम आती है, उसको पहले अच्छी तरह से अप्लाई करो। हाँ एक बात और, नरम करने वाली क्रीम अगर नहीं मिलती तो भाई आप मिल्क यूज़ कर सकते हो, अच्छी तरह से मसाज करो उसकी, उसके बाद जा करके आपको अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, देखो मैंने क्रीम लगा ली, अच्छी तरह से मैं ब्रश के साथ पहले नरम करूँगा, दाढ़ी को फुलाऊंगा। जब तक मैं फुलाऊंगा नहीं तो भाई मैं शेविंग नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता ना कि भाई ब्लेड की धार खराब हो जाती है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से हमारी शेविंग होती नहीं है। देखो ऐसे कुछ आपको बुरश पकड़ना है, देख लो, ठीक है ऐसे कुछ आपको बुरश पकड़ा जाता है, देख लो ऐसे ऐसे ही पकड़ना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। ठीक है, इस साइड में भी आपको ऐसे पूरा लगा लेना है, कान पे लगना चाहिए, अगर कान पे लगते तो हल्का ऐसे साफ करना है। उसके बाद फिर आपको अच्छी तरह से पहले लगाना है दाढ़ी को, ज़्यादा से ज़्यादा पानी लगा करके ना इसको फुलाना है आप लोगों ने, क्योंकि जैसे मैं फुला रहा हूँ आप लोग को भी ऐसे ही फुलाना है, उसके बाद हम लोग शेविंग करेंगे। देखो गाइस दाढ़ी मेरी फुल चुकी है, अब मैं करूँगा स्टार्ट। एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, जो भाई कमेंट कर रहे हैं कि सहल भाई यार ब्लेड की धार खराब क्यों हो जाती है, बीच में बाल क्यों छूटते हैं, भाई मैं स्टार्टिंग में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अब देखो जब भी हम लोग ब्लेड तोड़ते हैं तो भाजी जो नुकर होती ना हमारी ऊपर होनी चाहिए, कई बंदे क्या करते हैं उसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, समझो कि ना इस ए वाली गलती आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे कुछ आपको साफ करना है, खत जितना भी रखना होगा कस्टमर को पूछ लेना, उसके हिसाब से आप लोगों ने खत रखना है, अपनी मर्जी नहीं करनी आप लोगों ने कि ये यहाँ से काट दिया। स्टार्टिंग में मेरे पास ऐसे लड़के भी जो काम सीख रहे थे ना वो ऐसी गलती भी करते थे, यहाँ से स्टार्टिंग से यहाँ से काट देते थे। ठीक है, ऐसे नहीं करना, क्योंकि स्टार्टिंग में चलो गलतियाँ सबसे होती हैं, पर लेकिन थोड़ा ध्यान पर रख के काम करना। ठीक है, देखो मैंने ऐसे साफ किया, पहले ऐसे उल्टा लगाना है, इसमें ब्लेड होता है, थोड़ा ध्यान से रखना। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे उल्टा लगाना आप लोगों ने, लगा करके क्रीम को साफ करना, टेपर में चलाना है ऐसे करके। अब कई बंदे मेरे को कहते हैं कि सहल भाई टेपर किसको कहते हैं, उस तरह टेपर किसको कहते हैं, भाई देखो थोड़ा सा ना जूम करके ऊपर से दिखाना, पता लगना चाहिए। ठीक है, अब देखो ऐसे कुछ आपको टेपर में रखना पड़ता है ऐसे करके। ठीक है, अब देखो ऐसे कुछ, अब ये आ गया सीधा हमारा, ये आ गया टेपर में। ठीक है, हम क्या करेंगे इसको ऐसे टेपर में चलाएंगे, पूरा भी लिटा के नहीं चलाना, नहीं तो बाल छूटने लग जाएंगे आपके। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान पर रख के काम करना है। अब देखो हमारी दो चीज़ें चलनी चाहिए, नंबर एक पे तो भाई आपका अंगूठा जितने पार्ट भी आगे आप बढ़ोगे। हाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जितने भी हम लोग स्टेप यूज़ करेंगे ठीक है उसमें अलग अलग आपको टिप्स जानने बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें देखो एक टिप्स नहीं है। पहली बात तो हम लोगों ने जेवल चीज़ है ना नीचे खींच दिया, उसके बाद स्टेप टू वो कैसे करना है कैसे नहीं करना वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे लोग को बहुत दिक्कत आती है, जेवल चीज़ है ना यहाँ पे हाथ फिसलते हैं, बहुत कमेंट आते हैं मेरे को कि सहल भाई हाथ फिसलते हैं, यहाँ पर ब्लेड लग जाते हैं, यहाँ पर ठोड़ी के जो नीचे है ना ये निकलता नहीं है भाई, कैसे निकालें, डर लगता है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भाई अगर आप सीखना चाहते हो प्रॉपर शेविंग, भाई इसी चैनल पर आपको पूरा डिटेल में सिखाया जाएगा और कहीं नहीं सिखाया जाएगा। ठीक है, और कैसे करना है कैसे नहीं करना पूरा डिटेल में समझाऊंगा, बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, वीडियो अच्छी लगे बस लाइक जरूर करना। ठीक है, अब देखो ऐसे कुछ आपको करना, ठीक है, झटका नहीं मारना, झटका मारोगे आप सभी को पता है कि भाई ब्लेड की धार खराब होती है, क्योंकि एक तो ना आप ब्लेड जो होता है वो नॉर्मल यूज़ करते हो तो पहली बात तो जल्दी खराब हो जाता है, 365 यूज़ करो, लेज़र करो, जिलेट करो, ठीक है ये चीज़ें बढ़िया है। ठीक है, इन चीज़ों को यूज़ करो। और दाढ़ी उल्टी को कैसे पहचाने, भाई देखो दाढ़ी उल्टी है ना घूमी होती है, अब देखो इनकी दाढ़ी है ना उल्टी ऊपर गई हुई है, भाई इसको हम लोग ने कैसे पहचानना है, पहले हम लोग ऊपर वाले
पार्ट को पहले क्लियर कर लेते, उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे। इसको कैसे करना है कैसे नहीं करना वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि देखो इसमें पता है अगर हम लोग इसी को क्लियर नहीं करेंगे, अगर स्टार्टिंग में से यहाँ से इस साइड में से काट देंगे तो पता क्या होगा, तो भाई हमारे को इसको पता नहीं लगेगा उल्टी कहाँ से है, उल्टी कहाँ से है कहाँ से नहीं है, ठीक है। फिर हमारे को दिक्कत आएगी। नंबर दो पे हमारे को सीधा खींचना है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे इनकी दाढ़ी उल्टी, मैं यहाँ पर रोक दूंगा, रोकूंगा भी इसलिए क्योंकि अगर मैं सीधा खींच दूंगा ना तो भाई इनके फिर इनको प्रॉब्लम भी होगी, फिर देखो दाने भी निकलने लग जाते हैं और ब्लड भी निकलना स्टार्ट होगा, 100% होगा। उसके बाद ऊपर वाली लेंथ पे आएंगे हम लोग नंबर थ्री, ठीक है। आप लोगों ने इस साइड में ऐसे खींचना है, ठीक है। नंबर एक पे हमारे को ऐसे खींचना है, दूसरा ऐसे खींचना है और तीसरा टिप्स है हमारा ये है और तीसरा इस साइड में है। देखो जितना मास को खींचोगे उतना ही आपका अच्छा शेपिंग होगा, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ से हम लोगों ने काटनी है, भाई कह रहा है कि भाई मेरे को सिंगल मूछ चाहिए, हम क्या करेंगे हल्का हल्का इसके साथ में ऐसे लगा देंगे और यहाँ से हम लोग हल्के हल्के ऐसे निकाल देंगे। लो जी गाइस ये तो हमारी क्लियर हो चुकी है, नंबर एक दो फिर नीचे, उसके बाद तीसरा इस साइड में और चौथा इस साइड में हमारे को ऐसे लेके जाना है, ठीक है। अब देखो अगर ये वाली क्लियर करनी है आप दो तरीके से आप लोग क्लियर कर सकते हो, दो तरीके से इसको कैसे करना है। एक तो आप लोग ऐसे मास्क को उठाएंगे और ऐसे क्लियर कर सकते हैं, पर लेकिन इसमें ना इस वाले पार्ट पे आपकी दाढ़ी उल्टी नहीं होनी चाहिए, अगर उल्टी होगी तो भैया आप ऐसे लगा नहीं सकते उस तरह, क्योंकि फिर ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी लगा सकते हो, दूसरा स्टेप ये वाला है। अब देखो क्योंकि इनकी दाढ़ी इस साइड में ना, मैं इस साइड में लगाऊंगा क्योंकि इनकी दाढ़ी है उल्टी और इस साइड में गई हुई है। अब इसको ही पहचानना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसे कुछ आपको शेविंग करनी है, डर डर के शेविंग नहीं करनी, अगर डर डर के करोगे तो फिर भाई आपको दिक्कत होगी, भाई उस ऊपर करना। अब देखो कस्टमर को मैंने ऊपर करवाया, भाई ऊपर करवाया, ये वाला पार्ट आपको ऐसे नीचे खींचना है, मास्क को ऐसे खींचना। देखो कितनी इजी है यार, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जो भाई कहते हैं भाई हाथ कांप रहे हैं स्टार्टिंग में, देखो भाई जी होना है, क्योंकि जब मैं सीख रहा था ना स्टार्टिंग में, मैं अपने बड़े वाले ब्रदर से सीख रहा, अजय बारबर से, आप सभी को पता है, ठीक है, मेरा उस्ताद है। अब देखो उनके पास जब मैं सीख रहा था ना भाई, मेरे को बड़ा डर लगता था जब मैं स्टार्टिंग में शेविंग को हाथ लगाए थे ना भाई, हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे यार। ये चीज़ें नॉर्मल है, अगर हम लोग ना करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, हमारा लगातार आप काम करते होगे, आपको आदत पड़ जाएगी, आपको आदत पड़ जाएगी, आपका डर सारा खत्म हो जाएगा। हार नहीं माननी है, ठीक है। इसमें अगर हार मान गए तो फिर भाई कामयाब नहीं हो सकते। अब आगे इस वाली साइड पे, अब कई बंदे कहते हैं कि भाई क्रीम सहल भैया सूखती क्यों है। अब देखो मेरी सूख चुकी है क्योंकि मैंने इस साइड में आपको समझाने की कोशिश की थी ना, समझा रहा था पूरा डिटेल में समझा रहा था, इसलिए हमारी क्रीम सूखी है। अगर आप धीरे धीरे करोगे तो फिर आपकी क्रीम सूखेगी, ठीक है। मैं क्या करूँगा, हल्का हल्का मैं फिर पानी लगा करके इसको नरम कर लूँगा ऐसे करके, ठीक है। अगर आपकी भी ऐसे क्रीम सूखती है, पर लेकिन है ना थोड़ा सा टाइम मत लगाया करो स्टार्टिंग में, चलो टाइम लगता है मेरे, मुझे पता है सारा कुछ पता है मुझे तो, पर लेकिन ना थोड़ा सा हल्की अपने हाथों की भी स्पीड बढ़ाओ यार। अब इस वाले पार्ट पे आएंगे, हमारे को ऐसे कुछ कट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग रोक देंगे, सेम प्रोसेस है, ठीक है। देखो क्लियर हो गया भाई। देखो यार कई बंदे कमेंट भी करेंगे कि भाई ऐसे नहीं ऐसे, देखो भाई हर एक बंदे का अलग अलग स्टाइल है करने का, अलग अलग तरीका है, पर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पर लेकिन ये इजी तरीका है। आप लोग अगर ऐसे करना चाहते हो कि भाई ऐसे कर लेना, अगर कई और हिसाब से आप करते हो तो भाई कर लेना, कोई चक्कर नहीं है, पर लेकिन मैं तो आपको ऐसे ही समझाता रहूँगा, ठीक है। अब देखो तीसरा इस साइड में आपको करना है, देखो, पर लेकिन ना मास्क को ढीला नहीं छोड़ना, बस इसमें जहां पर हमारा मास्क ढीला पड़ गया वहां पर हमारा कट लगेगा लगेगा। जो भाई कहते हैं सफाई नहीं आती, भाई डर डर के उस तरह चलाओगे तो भाई सफाई थोड़ी ना आती है, ठीक है। डर के उस तरह नहीं चलाना, स्टार्टिंग में आपको आपके हाथ भी कांपेंगे, आपको डर भी लगेगा, आप हल्का हल्का ऊपर ऊपर से ऐसे ऐसे लगा लगा के ऐसे ऐसे लगा लगा के शेविंग करोगे तो भाई इसमें बाल ही आपके छूटेंगे ना, पर डरना नहीं है, डर के काम नहीं किया जाता, ठीक है। अब देखो जो मेन पॉइंट है ना, इस पर पहले बात कर लेते हैं, अब इस पे आ जाते, पहले इसको आप लोगों ने ऐसे पकड़ना है, ठीक है। जब आप शेपिंग करोगे तो इस वाले पार्ट पे आओगे तो भाई कस्टमर का कभी देखना, ये चीज होती है ना, वो टैट कर लेते हैं यहां से टैट कर लेते हैं, उनको बोलना थोड़ा ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ दो। हाँ देखो ढीला छोड़ दिया ना इनको, है ना। हम क्या करेंगे, अब देखो इजी हो जाएगा, हमारे को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर टैट हो जाता ना मास्क, थोड़ा आपको इजी हो जाएगा। देखो अब मैं इसको पहले निकाल के दिखाता हूँ आप लोग के, रास्ता पहली बात तो ना रास्ता बनाना, रास्ता बना के उसके बाद आपको ऐसे कुछ खींचना है, आराम से खींचना, ठीक है, हल्का हल्का।
अब ये हल्का सा पार्ट बचेगा इसको इस साइड में खींच देना, ठीक है। अब देखो इनकी दाढ़ी इस साइड में घूमी हुई है, हम क्या करेंगे इस साइड में लगा सकते हैं पर लेकिन ऐसे लगा नहीं सकते क्योंकि कई बंदे ऐसे भी करते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं करना आप लोगों को। अब देखो हम क्या करेंगे, पहले इस साइड में स्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर करूँगा, ठीक है ना गई। अब देखो अब आगे इस वाली साइड पे देखो, मैंने रास्ता क्लियर करना था, मैंने क्लियर कर लिया क्योंकि मैंने उस तरह यहाँ पे लगा करके इसको नीचे खींचना था। अब देखो मेरे को इजी हो जाएगा, इजी हो गया ना गाइस। अब देखो पर एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी यहाँ पर आओगे तो पूरा धक्का नहीं करना, वहाँ से हल्का सा अगर लग गया ना तो भाई काम खराब हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान पे रख के हल्का हल्का आपको ऐसे चलाना है और तेजी नहीं करनी बिल्कुल भी। अब देखो शेविंग ऐसे करनी है आप लोगों ने, और अब देखो दूसरा कोट आपको ऐसे क्रीम लगा रहनी है लगा करके। दूसरा गाइस कोट हम लोग इसलिए करते हैं जो हल्के हल्के बाल हमारे छूटे रहते हैं ना, अगर छूट भी जाते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। बस मुझे इतना बताना समझ आ रहा है, अगर समझ आ रहा है ना भाई कमेंट बॉक्स में भी बताना, अगर नहीं समझ आता तब भी बताना, एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। पर लेकिन अगर नए देख रहे हो वीडियो को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन पर जरूर करना, आपको सारी बार बार की रिगार्डिंग वीडियो मिलती जाएगी, ठीक है। और देखो मैंने लगा दिया, अब मैं करके दिखाऊंगा स्पीड में कैसे करते हैं। अब देखो जो भाई कहते हैं भाई स्पीड में कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको ऐसे उस तरह को ऐसे पकड़ना जैसे भी आप पकड़ते होंगे, पर लेकिन सही तरीका ऐसे है पकड़ने का, आप देख सकते हैं दो फिंगर यहाँ पर रखने हैं, अंगूठा हमारा यहाँ पर रहेगा। पर लेकिन हाँ एक बात और कहना चाहता हूँ, जो भाई कहते हैं कि भाई हल्का चलाना चाहिए या पूरा टायर चलाना चाहिए, भाई कभी भी उस तरह टायर नहीं पकड़ा जाता ना तो टायर चलाया जाता है, ठीक है। कस्टमर को पता लग जाएगा कि भाई बंदा नया सीख रहा है, जो सीधी बात है ना, क्योंकि कई बंदे पता क्या करते हैं उनको पता लग जाता है भाई कि बंदा नया सीख रहा है। आप लोग को बिल्कुल सॉफ्ट बनना है, हल्का हल्के हल्के हाथों से आप लोग ने शेविंग करनी है, बा कमाल होगी। पर लेकिन उससे पहले ना नरम कर लेना, बाद में बीच में अटकने लग जाएगा। अब कहते हैं कि साहिल भाई इंस्टाग्राम पर मेरे को बहुत मैसेज आते हैं, अगर कोई बात भी करना चाहते हैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। अब देखो कई बंदे कहते हैं कि यार साहिल भाई अटकने लग जाता है बीच में, अटकने का कारण क्या है भाई? आप एक पहली बात, अब डर डर के उस तरह चलाते हो तभी भी अटकता है, इसका ये भी कारण हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, दाढ़ी को अगर हम लोग नरम नहीं करते ये भी कारण, नरम कर लो भाई, बार बार कहता हूँ हर एक वीडियो में आपको समझाता हूँ भाई, नरम कर लो, जितनी दाढ़ी आपकी मर्जी टाइट हो भाई नरम कर लो, उसके बाद जाके आपको 100% उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा यार, ठीक है। अब देखो शेविंग को स्पीड में कैसे करते हैं, देखो भाई एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ भाई, आप लोग मत करना अगर आप नए नए सीख रहे हो, जो भाई कर लेते हैं उनके लिए तो भाई कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। देखो ऐसे कुछ शेविंग करनी है हमारे को, भाई सही बताना मैं शेविंग कर रहा हूँ, पता लग रहा है आपको? नहीं लग रहा, इसको कहते हैं शेविंग करना, ठीक है। लो जी गाइस हमारी शेविंग हो चुकी है, उसके बाद हम लोग हमारे को ऐसे साफ कर देना, हल्के हल्के हम लोग मुछ सेट करेंगे, उसके बाद हमारा डन। गाइस मैं हल्की तिरछी रखूँगा, ठीक है, और हल्के हल्का आपको ऐसे ब्लेड लगाना होता है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हो आपके सामने। मैंने जो भी आपको टिप्स बताए हैं उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे, अगर दिमाग में पड़े तो भाई जरूर बताना। अब गाइस मैं करूंगा जीरो नंबर लगा देना गाइस आप लोगों ने, देखो इसमें लगा रहा हूँ हल्का हल्का, उसके बाद आप सेट कर सकते हो। हल्का हल्का ऐसे आप लगाना है और इस साइड में भी हल्का दबा देना है, और हल्के ना वहाँ से आपको बाल निकाल देने क्योंकि लगते रहते हैं। लो
गाइस हमारी शेविंग कंप्लीट हो चुकी है, अलग अलग का पानी मरेंगे, उसके बाद फटकड़ी लगाएंगे। अलग अलग का फेस वॉश कर देंगे गाइस, ठीक है, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी बस लाइक मार देना, चैनल पे पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको अच्छी अच्छी वीडियो यहाँ पर ही मिलेगी और कहीं पर नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसे कुछ आपको फेस वॉश कर देना है। अगर गाइस और भी वीडियो देखना चाहते हो आई बटन में आपको मिल जाएगी सारी वीडियो, सिंपल कटिंग कैसे करते हैं और दाढ़ी सेटिंग कैसे करते हैं, फेशियल कैसे करते हैं, रिबॉन्डिंग कैसे करते हैं और बालों को कर्लिंग कैसे करते हैं, ठीक है, अभी आपको मिल जाएगी वीडियो जिसको हम लोग बोलते हैं पंपिंग लॉज गाइस। उसके बाद गाइस साफ तौबा लेने के उसके बाद आपको ऐसे साफ कर देना है। हल्के हल्के गाइस आपको ऐसे लोशन लगा देना है, ऐसे कुछ आपको कर देना, ठीक है। सही बताना भाई मेरी जानकारी कैसी लगी आपको, टिप्स आपको समझ आए या नहीं आए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कौन सी सिटी से हो, कौन से गांव से हो, कहाँ रहते हो, कहाँ नहीं रहते हो भाई, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर अच्छी लगे बस बोलना ना पड़े यार, लाइक जरूर करना, अच्छा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपको अच्छी अच्छी वीडियो इस चैनल पर ही मिलती रहती है। अगली वीडियो फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।